Sir, 840 crores, approx. क्या कैथी दक्षिण भारतीय फिल्म का रीमेक है? अजय देवगन की कौन कौन सी फिल्में दक्षिण भारतीय फिल्म का रीमेक है? बॉलीग्राड स्टूडियोज के सभी दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत। यह फिल्म 12 जनवरी 2021 को रिलीज करने के तैयार है। 2019 की रिलीज लोकेश कनगराज द्वारा लिखित और निर्देशित थी। कैथी दिल्ली की कहानी पर आधारित है। वह हाल ही में मुक्त किया गया कैदी है जो संदेह के कारण गिरफ्तार किया गया था और अपनी बेटी से मिलने के लिए मार्ग पर है। इंस्पेक्टर बिजॉय द्वारा योजनाबद्ध ड्रग छापे के कारण उनकी बेटी से मिलने की उनकी कोशिश बाधित हो रही है। अजय देवगन ने अपनी अगली फिल्म कैथी की घोषणा से प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। फिल्म उसी नाम से तमिल फिल्म का रीमेक है। पहले ऐसी अफवाह थी कि फिल्म के लिए बेहद खूबसूरत ऋतिक रोशन और सलमान खान से संपर्क किया गया, लेकिन अजय देवगन की बड़े पैमाने पर घोषणा ने सबको चौंका दिया। बॉलीवुड में उन फिल्मों से प्रेरित होने की प्रवृत्ति है जो अन्य भाषाओं में सफल और हिट है। कई सफल बॉलीवुड फिल्में हैं जो अन्य फिल्मों और पुस्तकों से प्रेरित है या किसी विशेष भाषा में विशेष फिल्म का पूरा रीमेक है। निम्नलिखित कुछ बॉलीवुड फिल्में हैं जो बॉलीवुड में हिट हैं और दक्षिण भारतीय फिल्मों की रीमेक हैं। हेरा फेरी, यह कल्ट क्लासिक फिल्म है जो मलयालम फिल्म रामजी राव की नकल है। इस दर्शक द्वारा बहुत प्यार मिला और सराहना मिला। कॉमिक टाइमिंग और फिल्म का प्लॉट बहुत अच्छा था। भूल भुलैया, यह मलयालम फिल्म मणि चित्रातु का आधिकारिक रीमेक है। यह एक अनोखी फिल्म है क्योंकि यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो हॉरर कॉमेडी एक नई और अनदेखी शैली थी। स्वदेश, बॉलीवुड की हिट फिल्म के शिवराम की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित थी और इसी नाम की कन्नड़ फिल्म का भी रीमेक था। गजनी, बॉलीवुड में सभी संग्रह का रिकॉर्ड तोड़ने वाला उत्कृष्ट गजनी एक ही नाम के साथ तमिल फिल्म का रीमेक थी। नायक द रियल हीरो, यह मुदलवन नामक तमिल फिल्म का रीमेक भी थी। अजय देवगन ने कई फिल्मों में भी काम किया है जो दक्षिण भारतीय फिल्म का रीमेक है। दृश्यम भी उसी नाम की मरियम फिल्म की रीमेक है। अजय देवगन की फिल्म को काफी सराहा गया। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक आम आदमी हत्या का संदेह करता है जब एक उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारी का सूरज, जिसने अपनी बेटी को परेशान किया, लापता हो जाता है। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सफल फ्रेंचाइजी सिंघम तमिल ब्लॉकबस्टर सिंघम की रीमेक थी। यह शेट्टी की पुलिस ब्रह्मांड की पहली फिल्म थी। अजय देवगन ने फिल्म में एक ईमानदार पुलिस की भूमिका निभाई है जिसका उद्देश्य समाज से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। बाजीराव सिंघम अजय के करियर के सर्वश्रेष्ठ चरित्रों में से एक है। एक्शन जैक्शन, हिम्मत वाला, सन ऑफ सरदार, संडे गोलमाल, फन अनलिमिटेड, इंसान और युवा से सभी दक्षिण भारतीय फिल्मों में रीमेक है। कथानक को देखते हुए और तमिल फिल्म कैथी को जो प्रतिक्रिया मिली है उससे ऐसा लगता है कि अजय देवगन की कैथी भी हिट होगी। बॉलीग्राड स्टूडियोज को देखते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है संस्कृति जलन ने।